कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो गाइस, मैं बहुत दिनों से एक चीज़ बनाना चाहती थी जो मैं बना नहीं पाई गर्मी की वजह से। फिलहाल आज भी बारिश बंद है, गर्मी तो आज भी पड़ रही है, लेकिन आज मैंने टाइम निकाल के वो चीज़ बनाने जा रही हूँ। तो लगभग एक महीने पहले हमारे एक यूट्यूबर हैं, मतलब हमारे फ्रेंड हैं, जिन्होंने हमारे चैनल को ज्वाइन किया है, और मैं बेना यानी हाथ का पंखा बना करके दिखाया था हमने। तो उन्होंने कमेंट किया था दी आप बना करके दिखाइए, मतलब बनाते समय दिखाइए। वो चीज़ मैं आज उनको बना करके दिखाने जा रही हूँ। एक छोटी सी बच्ची हैं, वैष्णवी, EMP की हैं, तो उनका भी चैनल है, मैंने उन्हें ज्वाइन किया हुआ है, देखती भी हूँ वीडियो उनका। तो आज मैं वही बेना उनको हाथ का पंखा बना कर दिखाने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि यह चीज़ आप लोग भी पसंद करेंगे। गर्मी के दिनों में हर जगह हर समय लाइट की प्रॉब्लम होती है, तो हाथ का पंखा जो है हम लोग बना कर के यूज करते हैं, वही मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा बताऊँगी कैसे बनाते हैं हाथ का पंखा। तो उसी पर मैं बात कर रही हूँ, और ज़्यादा बात करूँगी तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके लिए मैं इसको बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो आइए देख लेते हैं। ये देखिए, ये वाला जो है ये नया कपड़ा है, हमने पहले से मतलब काट के रख दिया था, उसी दिन काटा था जिस दिन मैं ब्लाउज कट रही थी। अगर आप लोग हमारी वाली वीडियो देखे होंगे तो उसमें पता है। तो ये अंदर जो है पैंट का कपड़ा है, इसको हमने काट लिया। तो पुराना कपड़ा आप अंदर डाल सकते हैं, थोड़ा मोटा हो, बहुत ज़्यादा मोटा ना हो, जैसे हाँकने में आपको कोई दिक्कत ना हो, ऊपर से आप नया कपड़ा लगा देते हैं। देखिए, मैंने इसको ये भाग थोड़ा कम रहेगा, लंबाई लगभग देख लीजिए 1 4 4 8 है, यानी 1.5 फीट तक लगभग लंबाई होगी, और उससे थोड़ा कम चौड़ाई होनी चाहिए। तो ऐसे आप इसको काट के फिर इसको नीचे के दोनों भाग जो है ऐसे बराबर रख लेते हैं, इस तरह से दोनों तरफ देख लीजिए आप, यहाँ से ऐसे हो गया है। अब हमको सिलाई करना है, तो सिलाई हम कैसे करते हैं चीज़, ना तो हम मशीन की आवाज़ को म्यूट करेंगे और ना ही आपको बराबर दिखाएंगे कैसे सिलना है। इधर से फिर इधर से फिर इधर से 4-5 सिलाई आप डिजाइन में भी किसी भी तरीके से आप सिलाई मार सकते हैं। तो देखिए हम कैसे सिलते हैं। ये देखिए, पहले हमें इधर से लेना है जिस साइड में कटा हुआ कपड़ा खुला हुआ है, यहाँ पहले ज़रूरी होता है यहाँ पर मारना सिलाई। देखिए तो आप देख सकते हैं मैंने तिरछा सिलाई किया हुआ, उसके बाद इस बगल से हमको सीधा लेना है। सीधा आएंगे तो फिर इधर हम तिरछा ले जा सकते हैं, वही चीज़ आपको देखना है। आप देखते जाएंगे, देखिए खड़ी वाली सिलाई हो गई, अब मुझे इधर से लेना है सिलाई। और आप लोग जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो अलमारी होती है हमारे घर में उसकी कवर मैं बनाती हूँ, जो बड़ा वाला बक्सा होता है उसकी भी कवर मैं बना लेती हूँ, तकिया की कवर, बहुत सारी चीज़ें मैं सिलाई करती हूँ, जो कुछ भी है। हमको एक बार इसे बीच से सिलाई कर देना है, जिससे कहीं पर सिकुड़न ना आए। अगर कहीं पर कपड़े में सिकुड़न आती है तो मोटा हो जाता है, फिर अच्छा नहीं लगता है। आप सिलाई करते समय किसी भी तरीके का डिज़ाइन बना सकते हैं, जैसा आप चाहें, वो आपके ऊपर है। ये देखिए, हमने ऐसे सिलाई मारा हुआ है, आप ऐसे गोल डिजाइन भी बना सकते हैं, इसको इस तरीके से बना सकते हैं, या ऐसे ऐसे करके खाना बना सकते हैं, मतलब बहुत सारा डिजाइन जैसा भी आप चाहें सिलाई करके बना सकते हैं। अब इसके बाद हमको एक तरफ तो लगा हुआ है, जैसे आप मोड़ेंगे कपड़ा, अगर बराबर है तो मुड़ा हुआ है, जिसकी तरफ कोई लगाने जरूरत नहीं है। अब हमको इधर लगाना है, और वो भी किस तरीके से लगाना है इस चीज़ को आप ध्यान देना। देखिए, अब हम इसको इस तरह से सिलाई कर लेते हैं। इस तरफ से आपको ध्यान देना है, उल्टा करके सिलाई करना है। उन्होंने जब मुझे कहा था तो मैं काफ़ी दिनों से सोच, अब इसको आपको ऐसे पलटी कर लेना है, देख ही रहे हैं। इसके बाद इस तरफ हमको सिलाई करना है। ये देखिए, हमने इधर अंदर से मोड़ दिया था, तो इसको मोड़ने की जरूरत नहीं है। अब हम इसको आप देखिएगा ऐसे करते हैं, देख रहे हैं ना आप, तरीके से मोड़ना है, और इस पर भी सिलाई हमको कर देना है। देखिए, हमने एक तरफ इसको लगा दिया है, आप किसी भी कलर का धागा लगा सकते हैं, कपड़ा कैसा भी हो लगा सकते हैं, कपड़ा बसरते अच्छा हो, नया होना चाहिए जिससे दिखने में अच्छा दिखे। तो इसी तरह से हम इस तरफ भी लगा लेंगे। और मैं कई दिनों से सोच रही थी यह काम करने के लिए, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। चलाओ, बंद कर,
गर्मी बहुत पड़ रही है, मैं बहुत मेहनत से हाथ वाला पंखा बना रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग वीडियो पूरा देखेंगे और पसंद भी करेंगे। और एक बात मैं यहाँ पर जो अहम और बहुत ज़रूरी है मशीन के बारे में, तो मशीन को आपको बहुत ही सुरक्षित रखना है, साफ़ सफाई से रखना है, और ध्यान रहे कि धागा वगैरह फंसे, ये सब चीज़ों को आपको काफ़ी ध्यान रखना है। अच्छा वाला तेल मशीन में डालना है। ये हमारी मशीन लगभग 20-22 साल पुरानी है, फिर भी हमने इसे संभाल के रखा है। तो आप देख सकते हैं हमने इसको अच्छी तरीके से सिल लिया है। हमको इसे बगल से यहाँ से कट कर देना है, क्योंकि यहाँ पर हम लगाएंगे डंडी। वो चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कलर विलर के कपड़े हैं, बहुत सारे कलर के कपड़े हैं। हम ब्लाउज बनाते हैं तो सारे कपड़े बचते हैं। देखिए हमने इसको कट करके ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में रखा हुआ है। इसी तरीके से काटना है आपको, और अब लगाना है इस तरीके से। ये चीज़ देख लीजिए, इसको हम फुलरा बोलते हैं। तो हम पहले इस साइड से शुरू करेंगे, यहाँ से देखिए, क्योंकि यहाँ इतने पर तो डंडी हो जाती है। ये चीज़ आपको देखना ज़रूरी है। अब देखिए मैं यहाँ पर आप लोगों को जूम करके दिखाऊंगी कैसे इसको लगाया जाता है फुलरा को। एक हमने ऊपर लगाया था, अब दूसरा हम देखिए नीचे की साइड में लगाएंगे। बहुत ही ध्यान देना है। ये देखिए नीचे की साइड हो गया, तो मशीन को ऐसे ही चलाते रहना है, ऊपर नीचे, एक ऊपर एक नीचे का, हर कलर का आपको फुलरा लगा देना है। ये देखिए एक ऊपर एक नीचे, इसी तरीके से तीनों तरफ हम इसे लगा लेते हैं। बहुत मेहनत कर रही हूँ गाइस, बहुत ही गर्मी लग रही है। प्लीज़ आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा और बताइएगा ज़रूर कि यह हाथ का पंखा बनाने का तरीका आप लोगों को कैसा लगा। हमारे यहाँ अभी लाइट है नहीं, नहीं तो पंखा चालू करे रहते तो ठीक रहता। इन्वर्टर है नहीं, जो चीज़ रियल है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो इस तरीके से हमको यहाँ पर जो लगा रहे हैं फुलरा, इसको बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में, एक ऊपर एक नीचे इसी तरीके से लगाना है। सबसे पहले आप लोग हमारा फेस देख लीजिए, हमने कितनी मेहनत किया हुआ है। ये सब पसीना वगैरह सब देख रहे हैं आप लोग, हमारी मेहनत का फल। आप लोग एक लाइक ज़रूर करना, वीडियो फुल वॉच देखना। तो अब मैं बताती हूँ इसमें डंडी और पुपली कैसे लगाते हैं। तो ये चीज़ आप देख रहे हैं, हमने झड़ी लगा दिया है। आप किसी भी कलर का इधर भी देख लीजिए, बहुत सारा हम काट के रखे हुए हैं। वैसे मैं गर्मी में सिलाई नहीं करती हूँ, गर्मी में जल्दी मैं मशीन पर बैठती ही नहीं, पर काफ़ी दिनों से सोच रही थी, उनके कहने पर मैंने यह काम किया हुआ है। तो एक मैं आपको यहाँ पर काट के बता देती हूँ, इसको सही करना होता है। देखिए इसको हम ऐसे पकड़ते हैं यहाँ से ऐसे, ये देखिए अब ये कितना सुंदर लग रहा है और ये कैसा लग रहा है। तो कुछ इसी तरीके से हमको जो है सारे फूल को छोटा कर देना है। ये देखिए ऐसे सारे हो जाएंगे। अभी मैं डंडी कैसे लगाती हूँ चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। ये मोटा वाला धागा है, बड़ी वाली सुई है, पतले वाले धागे से आप इसको गूंथ नहीं सकते। और आपको दिखाई दे थोड़ा सी कुड़न आ गई है। तो अब ये देखिए है डंडा बांस का, पतली का नहीं मोटी हुई, मतलब मजबूत वाली लेना है आपको। यह पुपली थोड़ा मोटी है ज़्यादा, जैसे भी आप ले सकते हैं। बाज़ार में भी मिलती है, आती है स्टील की, और ये भी बिकती है हमारे यहाँ। तो आपको कुछ इस तरीके से इसे अंदर लेना है। हमको इसको ऐसे ही इसमें कर लेना है, इसको आसानी से फाड़ना है। गिड़ासा हुआ आपके यहाँ, यहाँ सिया से भी आप इसे फाड़ सकते हैं। ये चीज़ हमने कर लिया है,
तो हम दो तीन जगह गांठे मार देंगे पहले, उसके बाद ही इसको नत्थी करेंगे अच्छे से। ये जो बगल में कपड़ा है इसको काटना नहीं, इसे जैसे इस तरफ लगाया है वैसे ही हाथ से लगाया, क्योंकि मशीन इस पर चलेगी नहीं, यह है लकड़ी। तो आपको दिखाते हैं कैसे हम सिलाई करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए हमने सभी इसको छांट दिया है, फुलरा को इस तरह से हमने डिजाइन बनाया हुआ। आप चाहे जितना इसमें ऐसे वैसे कुछ भी बना सकते हैं। ये देखिए ये जो डंडी आप देख रहे हैं इसको हमने लगाया है मोटे धागे से, लगभग हमने 3-4 बार इसको गूंथा हुआ है, नहीं तो ये ढीला पड़ जाता है। सबसे ज़्यादा इसी में मजबूती देना है हमको, तो इसको आप हाथ से लगाएं जैसे हमने इसको लगाया है। अगर आपको बनता है आपसे मशीन से, मैं दिखाती हूँ बना के, अगर आपको अंदाज़ा है तभी बनाइएगा, नहीं तो नहीं, नहीं तो मशीन सुई वगैरह टूट सकती है। तो आइए देखते हैं हम कैसे इस चीज़ को, इधर भी पट्टी को हम कैसे लगाते हैं। ये देखिए मशीन को इसको मोड़ देना है, हमने इसको इस तरफ से लगा लिया है। अब हमको इसको पलटी मार के इधर लगाना है। ध्यान रहे कि डंडी इधर से ही रहे, इधर से नहीं तो ये दबेगा, अगर ज़रा भी मिस्टेक हुई सुई टूट सकती है। इस चीज़ का आपको बहुत ही बखूबी ध्यान रखना है। तो आइए देखते हैं, देखिए हमारा बेना यानी हाथ का पंखा तैयार हो चुका है, उस इस तरीके से हमने बनाया है। आप लोग कैसे बनाते हैं, गांव में लाइट नहीं रहती अक्सर, सभी लोग बनाते हैं। देखिए इधर थोड़ा डंडी मोटी होने के कारण इधर हम नहीं सिलाई कर पाएंगे, इसको हम जो है सुई से ऐसे पकड़ पकड़ के इस तरीके से सिल देंगे अच्छे से। और जैसे हमने ये सब लगाया हुआ है वैसे यहाँ भी हमको लगाना है। तो ये देखिए मैं आपको हवा करके बताती हूँ, ऐसे आप अच्छे से हवा ले सकते हैं गर्मी में। अभी मेरी मेहनत का फल जो है तैयार हो चुका है हमारा बेना, आप लोग देख रहे हैं। अब आप लोग हमारी मेहनत का कितना फल देंगे यह तो आप लोग ही बताएंगे कल जब हमारी वीडियो अपलोड होगी। ठीक है, हमारा बेना तैयार हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि वैष्णवी को यह बेना बहुत ही पसंद आएगा और वो बनाएंगे इसी तरीके से मशीन से, ऐसे ही हम बनाते हैं। ये हमारा ये है, हमने पहले से भी बना के रखा हुआ है। यहाँ एक बार मैंने दिखाया था तो हमारे कम ही सब्सक्राइबर थे, अभी मैं फिर से दिखा देती हूँ। ये देखिए ऐसे बनाया हुआ है हमने, इसमें कम फूलें लगे हुए हैं और भी लगाए हैं, जैसे उसमें लगाए हैं हम गजन करके, ठीक उसी तरह से इसमें भी। ये देखिए ये सारे हैं, इस तरीके से आप कलर बाय कलर बना सकते हैं। आपके पास कटिंग के कपड़े हों तो ऐसे ही मैं पंखा हाथ का बनाती हूँ, जो चाहे जो चीज़ें सिलाई की हो सब मैं बना लेती हूँ। तो यही सब काम मैं सिलाई से करती हूँ खाली टाइम में अपने घर में। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को यह हमारा हाथ का पंखा पसंद आएगा। और हम अक्सर बनाते हैं, ये पंखा है और एक पंखी होती है उसमें गोल मडरा लगता है, हाथ से कढ़ाई की जाती है, तो उसको भी हम लोग ज़्यादा बनाते हैं। लड़की की शादी ब्याह में हमारे यहाँ ये चीज़ दिया जाता है ससुराल जाने के लिए, लड़की को 5, 7, 10 जितना बना सकते हो, और बहुत सारी चीज़ें बना के दी जाती हैं। तो यही सब था जो हमने आप लोगों को दिखाया है। गर्मी बहुत पड़ रही है हमारे यहाँ, धूप भी निकली हुई है, बारिश नहीं हो रही है। तो उम्मीद करती हूँ कि हमारा ये मेहनत और यह बेना बनाने का तरीका आप लोगों को पसंद आएगा। तो जैसे ही आप लोग हर वीडियो में अपना प्यार बनाए रखते हैं, वीडियो फुल वॉच देखते हैं, लाइक करते हैं, तो वैसे ही देखेंगे। जो भाई चैनल पर नए हैं हमें सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो इसी उम्मीद के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड इवनिंग।